हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं तो आप शायद ही मेरी इस बात पर यकीन करेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं, जिसके जरिए आपका मैसेज अपने आप ही अदर पर्सन तक सेंड हो जाएगा। आगे इस वीडियो में बात करेंगे इस ट्रिक के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बर्थडे विश करना है तो अब आपको बर्थडे विश करने के लिए रात के 12 बजे तक जागना नहीं पड़ेगा। आपको बस अपना बर्थडे मैसेज शेड्यूल करना है और सो जाना है। उसके बाद आपका मैसेज अपने आप ही अगले बंदे तक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज शेड्यूल करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। लाल व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप के प्लेटफॉर्म पर मैसेज को शेड्यूल करने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। तो इस ऐप का नाम है स्केरिट। आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो स्केरिट की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ अपने डिटेल्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको नेम डालना है, फिर ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। फिर आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, आपको उस वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करना है पहले। तो सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज को शेड्यूल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए, SMS करना चाहते हैं तो SMS पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अभी मैं सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप को लेता हूँ और इसे डन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ आपको इनेबल एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, इसको इनेबल कर देना है अपने सेटिंग में जाके। स्केरिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ये अभी ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। तो आपको अपने ऐप में वापस जाना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, इस पर टिक करना है, ओके करना है। जैसे मुझे इसको मैसेज करना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ नाम आ चुका है अकेले, यानी अभी जो भी मैसेज शेड्यूल करूँगा उसके पास ये पहुँच जाएगा। तो मैं एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ हाय आओ आ। अब क्या करना है, अब आपको अपना टाइम और डेट सिलेक्ट करना है कि ये मैसेज आपको कब भेजना है। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है 12:45, तो मैं इसको टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ 12:47 का कर देता हूँ। हम इसे ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं 27 नवंबर 2020 12:47 पर ये मैसेज उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब इस टिक पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा आस्क मी बिफोर सेंडिंग। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो मैसेज सेंड होने से पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिस पर टैप करने के बाद ही आपका मैसेज अदर पर्सन तक फॉरवर्ड होगा। और अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपका मैसेज अपने आप ही अगले बंदे तक फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसको ऑन कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा मैसेज अब शेड्यूल हो चुका है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे फॉरवर्ड होता है। तो ये देखिए, मैंने जैसे कहा था कि इसे अगर ऑन करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप इस मैसेज को सेंड करना चाहते हैं कि नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तभी सेंड होगा, लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ तो मैसेज अपने आप ही फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका मैसेज अपने आप ही अगले बंदे तक पहुंच जाए। तो अभी मैंने कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो और मैसेज भी टाइप कर दिया मैंने। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 1:34 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ऊपर टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन लॉक को चेंज कर देंगे।
बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्या करना है ऑफ कर देना है। अपने सेटिंग में जाके एडिट में जाना है और इसको डोंट ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको वापस अपने ऐप में जाना है और अब क्या करना है, ऊपर इसको टिक कर देना है। तब हमारा मैसेज शेड्यूल हो चुका है। तो अब मैं इसको एक बार लॉक कर देता हूँ, फिर अभी देखेंगे, अभी 1:35 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैसेज अपने आप ही अब फॉरवर्ड हो रहा है, इसने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और इसने यहाँ मैसेज भी अपने आप ही टाइप कर दिया है और ये मैसेज फॉरवर्ड भी हो चुका है। तो आप ऐसे ही अपने मैसेज को शेड्यूल करके आप किसी को भी बर्थडे विश वगैरह कर सकते हैं। देखिए ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया कि योर मैसेज हैज़ सेंट सक्सेसफुली। तो आप इस तरीके से अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बर्थडे विश करना है तो आप बर्थडे विश का मैसेज शेड्यूल करके आप आराम से सो सकते हैं। तो गाइस अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।